ओश्वानिदे सवितर दुरीता निपराशुभ यद्रम तुभ ओ शांति 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 नमस्ते मनुष्य भगवान का सबसे प्रिय है जिसके लिए भगवान ने इस सृष्टि को बनाया इस सृष्टि में हर प्रकार की सुख सुविधा मनुष्य के लिए उपलब्ध कराई तब जाकर के मनुष्य का जन्म हुआ कि यह वायु हमको श्वास दे सके एक एक व्यक्ति को सबको प्रेम करती है यह वायु इसी वायु के कारण से वायु बहती ही इसीलिए है कि ये जो प्रभु के प्यारे हैं ये श्वास ले सकें नदी में जल इसीलिए बहता है कि प्रभु के प्यारे अपनी प्यास बुझा सकें सभी से प्रेम करता है जल सभी से प्रेम करती है वायु सभी से प्रेम करती है धरती क्योंकि धरती को पता है कि भगवान ने मुझे बनाया है कि मैं भगवान के प्यारों को अन्न दे सकूं, जगह दे सकूं, रहने के लिए स्थान दे सकूं, हर प्रकार की सुख सुविधा हमको वृक्षों से मिलती है हमको इस आकाश से मिलती है वायु से मिलती है जल से मिलती धरती से मिलती पशु पक्षियों से मिलती और अन्य प्रकार के जीव जंतुओं से मिलती है क्योंकि हम मैं ईश्वर का प्यारा हूं हर एक व्यक्ति ईश्वर का प्यारा है ये नहीं कि हम ये सोचें कि हम ईश्वर के प्यारे हैं, हम में मैं रह जाता है अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रह जाती है कि मैं ही ईश्वर का प्यारा हूं हम सोचते हैं वो प्यारा होगा सब प्यारे होंगे मैं अकेले के लिए थोड़ी ईश्वर ये धरती बनाएगा मुझ अकेले के लिए थोड़ी ईश्वर इतना पुरुषार्थ इतनी मेहनत करेगा लेकिन ये सोचिए कि सारा संसार यदि नाश हो जाता है मैं अकेला बचता हूँ तो क्या मेरे लिए वायु नहीं बहेगी कि वायु कहेगी कि इस अकेले के लिए क्या बहना जब दो चार करोड़ होंगे तब मैं बहूंगी नदी कहे कि इस अकेले के लिए क्या जल निकालना मैं तो अंडरग्राउंड भी बहूंगी धरती कहे इस अकेले व्यक्ति के लिए क्या घूमते रहना जब पूरी मानवता रहेगी तब मैं घूमूंगी कोई भी एक व्यक्ति भी इस धरती पर रहेगा जीवित रहेगा तो भी उसके लिए ये सारे सितारे रहेंगे ये चाँद ये सूरज रहेगा ये धरती रहेगी ये सभी जलवायु आकाश अग्नि ये सभी पंच तत्व रहेंगे एक व्यक्ति के लिए भी और सौ के लिए भी और सब के लिए भी एक एक व्यक्ति ईश्वर सब के लिए है ईश्वर एक होते हुए भी अनेक है ईश्वर एक होते हुए भी सबके हृदय में विराजमान है एक होते हुए भी हर कण कण में विराजमान है सर्व व्यापक है जो सर्व व्यापक होता है उसमें एक और अनेक का निश्चय हम नहीं कर सकते वो अद्वैत हो जाता है वो एक साथ सब का होता है मेरा भी तेरा भी उसका भी सब का, कोई भी उससे भिन्न नहीं उससे अलग नहीं ईश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि वो हमारे भीतर वैश्वानर अग्नि बन करके हमारे आहार को पचाता है जो भी हम चाटते हैं या चूसते हैं या पीते हैं या खाते हैं चार प्रकार का जो अन्न है उस सब को पचाता है अन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रिता वो हमारे जठर में वैश्वानर अग्नि बन के हमारे अन्न को पचाता है प्राण बन करके हमारे जीवन को चलाता है प्राण समायुक्ता है प्राण और अपान को सम करके इस जीवन को चलाता है प्राण अपान व्यान समान उदान बन के नाग क्रिकल कूर्म धनंजय देवदत्त दस प्रकार की वायु बन करके हमारे जीवन का पालन पोषण करता है एक एक कोशिका में काम करता है एक एक कोशिका के अंदर चेतना है वही परम चेतना है एक एक चीज उसका कितना महत्वपूर्ण हमारा छोटे से छोटा ध्यान रखता है प्रभु कि हमको अच्छी अच्छी प्रेरणा देता है अच्छे काम करने के लिए हमको प्रेरित करता है हमको उत्साह बढ़ाता है और कभी हम गलत काम करते हैं गलत जगह मन जाता है तो बार बार मन में ये पैदा करता है कि तुम गलत कर रहे हो मैं गलत कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ उसका दुख उसका संताप उसकी ग्लानी हमारे मन में आ जाती है कुछ गलत करने की ईश्वर चाहता है कि ये गलत रास्ते पर ना जाइए ना भटके बुरे माता पिता होते हैं तो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते बच्चा कहाँ जा रहा है क्या पढ़ रहा है क्या किससे मित्रता कर रहा है क्या खा रहा है क्या पी रहा है कहाँ घूम रहा है क्या देख रहा है कुछ पता नहीं रहता फिर वो बच्चा बिगड़ जाता है लेकिन ईश्वर ऐसा माता पिता नहीं है वो तो सर्वश्रेष्ठ हमारा एक लौता पिता है वही हमारी माता त्वमेव तो माता चपिता तुमेव तो जैसे माँ रक्षा करती है अच्छी माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है वैसे वो सबसे अच्छी माँ हमारी रक्षा करती है सबसे अच्छा पिता हमारी रक्षा करता है हमें ज्ञान देता है हमारे बुद्धि को ठीक चलाता है हमारी आंखों को ठीक चलाता है हमारे नाक को ठीक चलाता है हमारी जबान को ठीक चलाता है हमारे कान को ठीक चलाता है हमारी स्पर्श इंद्रिय को हमारी हर पांच प्रकार की ज्ञान इंद्रिया जो है आंख कान नाक जेहवा त्वचा और पांच प्रकार की कर्म इंद्रियां जो हैं पानी, पाद पस्थ और वाक इंद्रिय और इन दसों इंद्रियों का राजा मन क्या ऐसा नहीं है जिसे वह संचालित नहीं कर रहा इस प्रकृति को भी वही परम पुरुष पुरुष विशेष ईश्वर वही संचालित कर रहा है इस बुद्धि को इस अहंकार को इस मन को यह अहंकार भी उसी के कारण है उसी का ही अहंकार है जिसे हम अपना मान रहे हैं वही कार्य कर रहा है जिसे हम अपना कार्य मान रहे हैं और अपना मान करके हम गलत जगह भी काम करने लगते हैं हम पूरा सौंप नहीं देते उस परम अहंकार को जो हमारे भीतर भी है और हमारे भीतर से काम कर रहा है हम पूरा सौंप नहीं देते उसे उसके यंत्र नहीं बन जाते कि हे ईश्वर जो तू चाहे वो कर अब हमारे शरीर और हमारे इन इंद्रियों के द्वारा इस मन के द्वारा हम तेरे रास्ते में आड़े नहीं आएंगे वही परम अहंकार हमारे भीतर है कोई बाधा नहीं लेकिन हम उसको भूल के, के हम मैं जी रहा हूं मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझको ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है फिर हम राग द्वेष मोह में फंसते हैं बहुत सारी कामनाएं करते हैं फिर और आसक्ति जागृत तो होती और क्रोध आता है और इस तरह हम गलत अविद्या गलत कामनाओं में और अतृप्त अपने आप को अपूर्ण अनुभव करते हैं जब तक हम पूर्ण समर्पित नहीं हो जाते अपने हृदय में विराजमान परमेश्वर के प्रति जब तक हम पूरा सरेंडर नहीं कर देते समर्पित नहीं हो जाते समर्पित बुद्धि नहीं कर देते समर्पित अहंकार नहीं कर देते समर्पित मन नहीं कर देते एक ही बात है मन बुद्धि अहंकार चित्त ये अंतकरण है और अंतकरण एक है वही संकल्प विकल्प करता है वही मन हो जाता है वही निर्णय लेता है तो बुद्धि हो जाती है वही अपने होने की अनुभूति करता है तो अहंकार हो जाता है संस्कार इकट्ठा जहाँ होते हैं वही चित्त हो जाता है तो यही मन हम प्रभु को समर्पित कर देते हैं कि अब ये मन मेरा नहीं है ये मन आपका है प्रभु आप इसके द्वारा जो चाहें सोचें जो चाहें करें जो चाहें करवाएं अब मेरा राग द्वेष नहीं अब आप के हवाले ये मन है अब मेरा अनुकूलता प्रतिकूलता मैं नहीं ध्यान दूंगा अब मेरी इच्छाएं मेरी कामनाएं नहीं रहेंगी अब आपकी इच्छा आपकी कामनाएं आपके संकल्प जो होंगे वही पूरा होगा इस शरीर से वही निकलेगा इस मुख से इन ने ये नेत्र वही देखेंगे ये हाथ वही करेंगे ये मन वही सोचेगा जो आप चाहते हैं प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं तेरी जैसी इच्छा जहां ले चलोगे भगवन वही मैं चलूंगा जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा जहा ले चलोगे भगवन वही मैं चलूंगा इस तरह के जब हम भजन भाव में समर्पण के साथ करते हैं गाते हैं तो हमारी पूरे अस्तित्व को भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं बहुत प्रसन्नता के साथ खुश होते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे शरण में है जैसे कि छोटा बच्चा जब अपने माता को प्रणाम करता है या अपने पिता को ऐसे सर झुका करके उनके चरणों में प्रणाम करता है माता पिता कितने खुश होते हैं उनमें माता पिता में कोई अहंकार नहीं है कि मैं पिता हूँ तुझको मेरे सामने झुकना होगा मेरे पैर छूने होंगे ऐसा तो कोई पिता नहीं कहता है लेकिन जब बच्चा अपने मन से अपनी उदारता से और माता पिता के प्रति प्रेम में विभोर होकर के जब चरणों में गिरता है तो माता पिता इतने प्रेम से भर जाते हैं कि उसको हृदय से लगा लेते हैं उसकी सारी इच्छाएं जो होती हैं उसे पूर्ण करते हैं उसे बहुत प्रेम देते हैं यही भगवान भी चाहते हैं गीता में भी कहा भगवान ने मन मना भव, मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी प्रतिजाने वह मेरा सबसे बड़ा प्रिय है हे अर्जुन तो उसे मेरा प्रिय जान जो मेरे मन वाला हो गया है अर्थात जिसने अपना मन मुझे सौंप दिया है अब वो मेरा ही मन हो गया है जिसके पास अपना मन नहीं है वही मेरा भक्त है वही मेरा सब कुछ है मैं उसको चाहता हूँ मैं उसके प्रति समर्पित हो जाता हूँ भगवान कहते हैं कि मैं उसके प्रति समर्पित हो जाता हूँ जिसने अपना मन मुझे दे दिया भागवत की कथाएं बहुत प्रख्यात हैं चलती हैं उसमें आपने सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण वंशी बजाते हैं तो कैसे सारे ग्वाल और गोपियां दौड़े चले आते हैं जो जो काम कर रहे होते हैं वो छोड़ करके ऐसे शुद्ध बुद्ध अपनी खो करके भगवान के पास आ जाते हैं उनका आलिंगन करने उनके चरणों में समर्पित होने भाव विभोर भूल जाते हैं सब कुछ बस एक भगवान ही याद रहता है कि अपना मन उनके पास नहीं जिसका मन उसके पास होगा वो क्यों ध्यान देगा कि कौन बांसुरी बजा रहा है कौन खड़ा है चाहे रात हो या दिन हो चाहे काम हो या काम नहीं हो सब ईश्वर के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनका मन उनके पास नहीं रहता हमारा मन हमारे पास रहता है तो हम कुछ और ही उस मन के माध्यम से गुल खिलाते हैं गलत गलत सोचते हैं गलत गलत करते हैं और फिर गलत गलत संस्कार बनता है गलत गलत फल मिलता है गलत जीवन हो जाता है फिर ये पूरा यह लोक और परलोक भी चला जाता है परंतु जिसका मन भगवान के पास है भगवान उससे बहुत बड़ा कार्य करा देते हैं जैसे ऋषियों ने मुनियों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए और उसी बड़े कार्य के कारण से आज हमारे पास वेद है उपनिषद है दर्शन है अध्यात्म है संस्कृति है यह हमारी परंपरा है गुरु परंपरा उसी पुरुषार्थ से हमको जीवन मिल रहा है हमको ज्ञान मिल रहा है हमको सीख मिल रही है और आने वाली हमारी जितनी भी पुश्ते रहेंगी जितने भी आने वाली जेनरेशन रहेंगी सबको यह ज्ञान प्राप्त होगा उसी पुरुषार्थ की बदौलत जो ऋषियों ने किया था जो आज भी वो कर रहे हैं जिन्हों के द्वारा भगवान ही कर रहा है भगवान ही कर रहा है इसका अहंकार किसी ऋषि को किसी संत को किसी योगी को साधक को नहीं होता कि मैं कर रहा हूं जिसने अहंकार किया उसका तो पतन शुरू हो गया जिसने अपने कार्य को भोगना शुरू कर दिया अपने कार्य से जो सम्मान और फल मिला उसको भोगना शुरू कर दिया उसका तो पतन शुरू हो गया लेकिन जो निष्काम हो गया उसका उत्थान हो जाता है जो निष्काम हो गया वो अमर हो जाता है जो निष्काम हो गया उसके द्वारा भगवान बड़े बड़े कार्य कराता है और वो कभी अहंकार नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि मैं कौन हूं मैं क्या हूं मुझसे शक्तिशाली लोग हैं इस धरती पर मुझसे बुद्धिमान लोग हैं इस धरती पर वो वो क्यों नहीं कर पा रहे अगर यदि मेरे सामर्थ्य से ये होता तो मेरे से ज़्यादा सामर्थ्य वाले भी हैं लेकिन सामर्थ्य से कुछ नहीं सामर्थ्य तो उसकी है ईश्वर की है भगवान की है ज्ञान तो उसका है भगवत्ता तो उसकी है भावना तो उसकी है सब उसकी है मैं कुछ नहीं, नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं वो कर लेते लेकिन जो निष्काम है जिसके शुद्ध भाव हैं भगवान उससे बड़ा कार्य कराते हैं जो समर्पित है ईश्वर के प्रति जो ईश्वर के लिए ही जीता है ईश्वर के लिए ही मरता है ईश्वर के लिए ही सांस लेता है कि जैसी ईश्वर की इच्छा ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है और मुझे संकल्प दे रहा है तो वही कर रहा है मैं तो यंत्र हूँ मेरा सामर्थ्य तो भगवान के द्वारा है और भगवान के द्वारा ही लग रहा है मेरा वाणी का सामर्थ्य मेरे शरीर का सामर्थ्य मेरा कुछ भी बौद्धिक सामर्थ्य मेरे कला योग्यता रुचि गुण कुछ भी हैं सब ईश्वर के कारण से हैं इसलिए हमें इस पर कभी अहंकार ना करके इसको ईश्वर की ही सेवा में लगाना चाहिए कि ईश्वर चाहता है कि यह जगत सुंदर हो सुखी हो आनंद से भरा हो तो इसी कार्य में ये लगेगा इसी कार्य में ये लगेगा क्योंकि मेरे को भगवान ने बुद्धि भी दे रखी मन भी दे रखा यह शरीर भी दे रखा और यह सूक्ष्म शरीर भी दे रखा सब दे रखा है तो इसी से तो दुनिया काम कर रही है लेकिन वो अहंकार में कार्य कर रही है इसी से मैं भी काम करूंगा मैं समर्पित भाव से कार्य करूँगा और भगवान जो प्रेरणा देगा जो प्रेरणा मुझे मिली है कि सेवा करूंगा सब के जीवन में खुशियां आनंद लाऊंगा स्वास्थ्य लाऊंगा उत्साह बढ़ाऊंगा और व्यसनों को दूर करूंगा बुराइयों को दूर करूंगा सबके जीवन से सब में मेरा भी जीवन है मेरे जीवन से सबके जीवन से मेरे जीवन से तो अपने आप ही सारी चीजें बुराइयां दूर हो जाएंगी जिस समय मेरा समर्पण हो गया मेरे मन का समर्पण हो गया भगवान के चरणों में इस बुद्धि का समर्पण हो गया भगवान के चरणों में उसी समय से इस जीवन से असत आचरण खत्म हो जाएगा असत व्यवहार खत्म हो जाएगा बुराई खत्म हो जाएगी उसी क्षण से फिर हम क्यों कुछ बुरा देखने का विचार लाएंगे फिर हम क्यों भला कुछ बुरा देखने में हमारा मन लगेगा क्योंकि हमारा मन कहाँ लगा है या तो ईश्वर में लगा है या तो ईश्वर में नहीं लगा है दो ही हो सकते हैं या तो हमारा मन ईश्वर में लगा है या तो नहीं लगा है उसमें कोई परसेंटेज नहीं है किसी का 99 परसेंट भी लगा है तो उसका नहीं लगा परसेंट भी मन भोग में लगाए तो लगा है भोग में फिर मन टुकड़ों में नहीं या तो मन लगेगा या तो नहीं लगेगा ये थोड़ी मेरा कुछ मन लग रहा है कुछ मन नहीं लग रहा है या तो मन काम में लगेगा या तो राम में लगेगा तो जब हमारा मन भगवान में लगता है भगवान के चरणों में समर्पित रहता है यह मन बुद्धि तो भला क्यों बुरे मन में विचार में हमें रस आएगा बुरा देखने में मज़ा आएगा बुरा सुनने में बुरा कहने में ऐसे हमको अच्छा लगेगा मज़ा आएगा अगर उसमें मज़ा आ रहा है तो हमारा मन भगवान में नहीं लगा हम साधक नहीं हैं हम साधना नहीं कर रहे हैं सब कुछ ज़ीरो है क्योंकि हम बुराई में रस ले रहे हैं मज़ा ले रहे हैं जिसका मना कर दिया है भगवान ने जिसका गुरु ने भी शास्त्रों ने ऋषियों ने सब ने मना किया उसमें हमें मज़ा आ रहा है और मज़ा आ रहा है तो उसके संस्कार भी बन रहे हैं संस्कार बन रहे हैं तो जीवन वैसा ही हो रहा है फिर हम जीवन कैसे हमारा उत्थान होगा फिर तो हमारी भगवान में अश्रद्धा हो जाएगी इसीलिए हमें एक पथ चुनना होगा कि या तो हम पूरे के पूरे भोगी हो जाएं या तो हम पूरे के पूरे योगी हो जाएं और भोगी कोई बनना चाहता नहीं कि मैं पूरा का पूरा भोगी हो जाऊं जो पूरा का पूरा भोगी हो जाएगा वो पूरा का पूरा योगी भी हो जाएगा क्योंकि उससे भोग से जब पूरा डूबेगा भोग में तो भोग से वैराग्य होना तय है भोग पूरा वैराग्य करा देते हैं आखिर भोग भी तो भगवान के बनाए हैं वो भगवान से कैसे दूर करेंगे आपको वो पूरा आपको वैराग्य दे देंगे पूरा उससे पूरा वैराग्य हो जाएगा पूरा भोगी होना असंभव है पूरा भोगी होते ही व्यक्ति पूरा फोर्स से योग की तरफ बढ़ता है और बहुत ऊपर उठता है हम थोड़ा भगवान का स्मरण करते हैं और फिर वहां से बोर हो जाते हैं तो भोगों की तरफ हमारा चित्त जाता है फिर भोगों से उपरति हो जाती है फिर भगवान की तरफ चित्त जाता है तो फिर हमें न राम मिलता है न हमको भोग से ही कोई सुख प्राप्त होता है भगवान तो ये कहते हैं कि पूर्ण रूप से मेरे समर्पित हो जाओ तो मैं तुम्हारा हूँ नहीं तो जितना तुम थोड़ा बहुत मुझे याद करते हो तो उसीलिए तुमको ये जीवन मिल गया है उसी कृपा से तुम्हारे उतने स्मरण से ये जीवन मिल गया ये सांसें मिल रही ये अन्न मिल रहा ये इतना संसाधन मिल रहा जीवन मिल रहा सब भोजन पच रहा लेकिन तुम पूरे मेरे हो जाओ तो मैं पूरा तुम्हारा हो जाऊं और मैं पूरा तुम्हारा हो जाऊं तो सब कुछ तुम्हारा हो जाए क्योंकि सब में मैं ही हूं अब तुम मेरे नहीं हो रहे हो तुम हो रहे हो चीजों के और चीजों को तुमने मुझसे अलग मान रखा है कि भाई चीजें चीजें भगवान नहीं है यदि हम चीजों में भी भगवान की ही धारणा करें कि मैं जैसे परिवार की सेवा कर रहा हूं तो मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ क्योंकि इन सब में भगवान है मैं लिख रहा हूँ तो मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ तो मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ मैं चल रहा हूँ तो मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ इस भाव से जब हम अपने हर कर्म में भगवान का स्मरण करते हैं भगवान को याद रखते हैं भगवान को समर्पित करते हैं अपने हर एक कर्म को तो हर एक कर्म हमारा दिव्य कर्म बन जाता है कोई भी कर्म हमारे अंदर राग द्वेष पैदा नहीं करता, आसक्ति पैदा नहीं करता है और कोई भी कर्म हमारे को अहंकार पैदा नहीं करता है और फिर हर कर्म हमारा पूजा बन जाता है स्वरुण संवदित स्व कर्मणा तम सिद्धिम विंदती मानवाह इन्हीं दिव्य कर्मों से ही हमको सिद्धि प्राप्त होती है जब हर कर्म में हम भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान का स्मरण करने से ये मन पवित्र हो जाता है ये मन धुल जाता है साफ हो जाता है और यह नहीं कि आज कर लिया एक घंटा कर लिया मन साफ कर लिया और बाकी घंटे हम कुछ भी करते रहें तो फिर तो मन मलिन ही हो जाएगा हर पल मन को साफ रखना ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में मन को साफ रखेंगे बाकी दिन भर मन में कुछ भी आता रहे कैसा भी आता रहे तो फिर कैसे मुक्ति मिलेगी मुक्ति तो उसी से मिलनी है जो मन में है अब हम ही उसको इकट्ठा करेंगे तो फिर काहे कि मुक्ति की इच्छा हम कर रहे हैं मुक्ति यानी कि मन से कोई भी बुराई हम दूर रहे कोई भी बुराई मन से दूर रहे बुराई तब दूर रहती है जब हम मन में भगवान को स्थापित करते हैं अपने हर एक कर्म में भगवान का चिंतन करते हैं स्मरण करते हैं सुमिरन करते हैं उसी को ध्यान कहते हैं जब कहते हैं कि भगवान का हम पाठ कर रहे हैं भगवान का हम ध्यान धर रहे हैं कि हर कार्य हमारा प्रभु के लिए फिर प्रभु के स्मरण से मन धुल जाता है साफ हो जाता है मन की मलिनता दूर हो जाती है और ऐसा प्रतिपल प्रतिपल अभ्यास से अभ्यास से अभ्यास से अभ्यास से, से कुछ ही दिनों के अभ्यास है सात आठ दस दिन के अभ्यास से मन इतना पवित्र हो जाता है कि जीवन स्वर्ग हो जाता है आनंद का सागर प्राप्त हो जाता है भर जाता है आनंद से लेश मात्र भी दुख क्रोध अशांति द्वेष की एक रेखा भी नहीं रहती है मन में इतना मन भर जाता है और फिर हम बिना अहंकार के भगवान में ही डूबे रहते हैं उसी के लिए ही जीते हैं और वो उसकी जैसी प्रेरणा होती है हमसे वो होता है अपने आप कि जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए राम का स्मरण करके ओम का स्मरण करके सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ नमस्ते